गौ सेवा निगड़ी ग्रुप ने भोसरी इलाके के पांजरपोल गौशाला में देव दीपावली का उत्सव अनोखे तरीके से मनाते हुए गायों को लड्डू खिलाए। इस अवसर पर ग्रुप ने समाज के लोगों को देशी गायों की सेवा और संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। इस ग्रुप ने अपने सदस्यों और संपर्क में आने वाले लोगों से तन मन और धन से इस पुण्य कार्य में सहयोग करने की अपील की। गायों की सेवा करते हुए ग्रुप ने देशी गायों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। ये एक जो हमारा एक ग्रुप है वो एग्जैक्टली हमारा कोई ज्ञाति का ग्रुप नहीं है, सर्व ज्ञाति का ग्रुप जो एक हमने व्हाट्सएप द्वारा एक हमने ऐसा प्रेरणा मिला हमको कि भाई अपन गौ सेवा के लिए महाराष्ट्र राज्य निगड़ी अने संपूर्ण पुणे के अंदर जो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया था तो उस ग्रुप के माध्यम से हमने एक आयोजन ऐसा विचार आया कि भाई अपना गायों के लिए अपन क्या सेवा करते हैं, तो सनातन धर्म के लिए कि अपना गौ माता जो है उसके लिए अपन चूरमे का लाडू गए 4-5 साल से बना के सबका साथ है सबका साथ है सहकार से ये काम हम लोग 4-5 साल से करते हैं। और ये चूरमे का लड्डू आप जो देख रहे हैं वो लड्डू हमेशा कम से कम 4-5 हजार लड्डू बना के इस गौशाला पांजरापुर गौशाला भोसरी के अंदर हम गायों के लिए वितरण करते हैं। दिवाली के बाद यह हर साल को हम एक आयोजन करते हैं जो मात्र न मात्र हमारा हेतु है सिर्फ सनातन धर्म अपना गाय बचाव के लिए और गायों के सेवा और सेवक के लिए ही काम करते हैं और हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ हमारा उद्देश्य यही है कि बस अपना ये गौ माता के लिए कुछ अपन करेंगे तो यही गौ आज के समय अपन देखते हैं कि गाय की सेवा कितना जरूरी है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अपना जो धर्म प्रेमी जो है मतलब एक सनातन धर्म के लिए गाय बहुत अपने लिए माइनिंग रखता है जिसके लिए गाय के ऊपर ही ये सब सृष्टि जो है जो जीव है जीव मात्र जो मनुष्य मात्र जो उसके लिए जो भी दाना पानी खाना पीना जो भी मिलता है वो गाय के दूध से ही आगे बनते हैं और वही दूध से अपना सबका जीवन भी चलता है। तो मैं सबको एक प्रार्थना करता हूँ कि आप गाय की सेवा अवश्य करें और गाय की गाय हमारी माता है उसको बचाओ और गाय का सेवा करने से अपने को अमूल्य लाभ मिलता है। आप उन आगे देखते थे जूने जमाने में कि गाय का गोबर से अभी पिछले साल इधर एक कार्यक्रम भी किया गाय का गोबर से वगैरह अग्नि अपना अपना स्नान किया अंग स्नान किया वो भी एक कार्यक्रम लिया था। अने ये हर साल हम प्रयत्न करते हैं, हमारा ऐसा नहीं कि हर साल करना लेकिन प्रयत्न करते हैं कि 4-5 साल से गाय माता की सेवा करके हम ये लड्डू गाय को खिलाते हैं। धन्यवाद आभार। सो अभी जैसे विंटर का मौसम चालू हो रहा है और विंटर के मौसम में जैसे हम लोग आयुर्वेदिक चीज़ें खाते हैं तो गायों का भी हक है और उसे भी ये सब खिलाना चाहिए। सो हर पिछले 5 साल से हम ये कर रहे हैं, इस बार 350 किलो के आसपास लड्डू थे और इस लड्डू में हमने गेहूं बेसन और जौ के अलावा आयुर्वेदिक सत्व भी हमने यूज़ किए जैसे कि सूंठ सतावरी जीवंती हल्दी गिलोय आंवला अर्जुन छाल अजवाइन काली मिर्च तो सो ये सब डाल के एक आयुर्वेदिक हमने बनाया है ताकि ये गायों को भी पोषण मिले और इससे हमें क्या मिलता है। सो आई थिंक यहाँ पे छोटे से छोटे लोग है से लेके बड़ी कंपनियों में भी काम करने के कर रहे ऐसे लोग है, इन सबको और कुछ नहीं चाहिए, उन सबको ये करने के बाद जो खुशी मिलती है इसलिए वो लोग वो सब यहाँ आते हैं, गाय माता का आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। दिवाली के दिन हम लोग मिठाई खाते हैं, इसके लिए हम भी गाय माता को मिठाई के तौर ये लड्डू की सेवा करते हैं।